उत्तराखंड में विधानसभा सत्र खत्म होने के बावजूद भी नेताओं की सियासी जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के एक विधायक भगवान राम को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधायक को धर्म की राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। इस पूरे मामले पर बढ़ते राजनीतिक घमासान पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कि हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। दरअसल मामला उत्तराखंड विधानसभा सत्र से शुरू हुआ था, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सत्र के चलते भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए ग्रंथों का हवाला देते हुए भगवान राम के कलर को चेंज करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। इसके बाद सत्र में जमकर हंगामा देखा गया। कि हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। हमारे ग्रंथों में जो विचार है, अच्छा चश्मा दूसरा बनवा लूंगा तो, लेकिन आप भी तो देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं नहीं आपने करा, इसकी तारीफ तो करी नहीं। कांग्रेस विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, पहले वह तो खुद भी सनातनी है और किसी भी धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब मुद्दाहीन पार्टी बनकर रह गई है, जो अब बस अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो खुद सनातनी है और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेसियों के पास कुछ मुद्दे तो बचे नहीं है। आज देश प्रगति करके दुनिया में एक उच्चतम स्तर पर है, लेकिन मुद्दे न होने के बावजूद ये अपने पद से भटक गए हैं और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड में इस तरह की होने वाली बयानबाजी ने उत्तराखंड के प्रमुख समस्याओं को गर्त में डालते जा रही है। देखने वाली बात होगी, जनता की सेवा करने के नाम पर राजनीति, कुर्सी पर बैठे लोग धर्म जैसे विषयों से इतर हटकर कब जनसेवा के विषयों पर काम करते हैं। उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।